उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एडवांसेस और पीटी के माध्यम से एक्यूपंक्चर नीडल्स का क्या इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, क्या इफेक्ट होता है और उसके, तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरे मेरिडियंस हैं, मेरे जो एनर्जी के चैनल्स हैं, अगर वो दिखाई नहीं देते तो ना दिखाई दें, लेकिन वो सिस्टमैटिक लाइन में काम करते हैं और उनका कहीं पर भी इंबैलेंस है जी, तो जिस प्रकार हमारे योग ज्ञान में चक्रास की व्याख्या की गई है कि देर आर 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स, वो एनर्जी सेंटर्स एनर्जी को एक उस डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए स्पेशली मॉडिफाइड, एनर्जी तो वही है बट लाइक द मूल धारा इट कंट्रोल्स आवर हेड, सॉरी या वी काउंट द चक्रास फ्रॉम डाउन बिलो अपवर्ड्स, मूल धारा चक्रा इज द चक्रा ऑफ सर्वाइवल, दैन द 7 चक्रास एज वी गो अप दे मॉडिफाई दी। तो मैं इसको लोगों के आसान बताने के लिए एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ चक्रों को याद करने का। जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हाथ सर पे जाता है तो एक चक्र हो गया, जब भी बोलते मेरी मत मारी गई तो माथे पे लगाते हैं दूसरा चक्र हो गया, जब भी बोलते हो आई स्वेयर तो हाथ चला जाता है थ्रोट पे तीसरा चक्र हो गया, जब भी किसी को बोलते हो आई लव यू तो हार्ट पे जाता है, कभी भी डाउट होता है तो पेट पे गुड़गुड़ होती है, कभी भी अराउजल होता है तो गोनाडल चक्र, कभी भी फियर होता है तो आपकी पेंट गिली हो जाती है, वो 7वां चक्र है, उसको आप ऊपर से 7 ले लो नीचे से 7 ले लो, ये 7 चक्र 7 इमोशन से रिलेटेड है और इनको बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। सो दीज इन टर्न रेगुलेट आवर वेरियस एंडोक्राइन्स और वेरियस and in turn regulate the sympathetic and the parasympathetic system and their harmony. So unfortunately sympathetic parasympathetic system जो हम medical पढ़ते हैं हमें पढ़ाया नहीं जाता कि ये कहते हैं ganglion होते हैं और ganglion के माध्यम से ये इनके channels होते हैं, लेकिन NRP हमारे को नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन अगर आप सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की तरफ जाओ तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो energy channels हैं वो भी हैं, हालांकि वो एनाटॉमिकल ग्राउंड में नहीं है लेकिन वो भी एक सिस्टम फॉलो करते हैं, अगर वो सिस्टम फॉलो करके अपना धर्म भूल जाएं तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन फील करते हैं, वहां पे एक्यूपंक्चर का रोल आता है। कौन कौन सी 4-5 ऐसी कंडीशन है जहां इसका रोल आता है? इसके बाद योग ज्ञान ने कह दिया कि हमारी 84,000 नाड़ियाँ सूक्ष्म नाड़ियाँ, परंतु चाइनीज ने इसको नाड़ियों को अपने इंटरनल ऑर्गन इमोशंस और 5 तत्वों के साथ जोड़ दिया और इसको बहुत डेवलप किया, जैसे आज मैंने कहा कि ये इट इज नोन एज द चाइनीज सिस्टम। तो अगर मैं आज 3 कंडीशंस लेके चलूं तो मैं कौन सी 3 कंडीशंस में लेके चलूं? वेल एक्यूपंक्चर इज ए सबके लिए है लेकिन इसे ही लेके चलूं तो क्या इज अ सिस्टम, ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिकॉज़ इट रेगुलेट्स द एनर्जी फ्लो इन द बॉडी, इट रेगुलेट्स एनर्जी इन एवरी पार्ट एवरी ऑर्गन एवरी टिश्यू एंड राइट। तो एक तो हो गया वेलनेस का ये, दूसरा ओके हो गया वेलनेस, दूसरा wellness, prevention of sickness, wellness आ गया वो तो, and as a complement to medical कौन से ये बीमारी का नाम हो तो कौन से? अब मैं कहूँ सबसे पहले मुझे जब acupuncture 1977 में इसका ज्ञान हुआ तो उस समय था कि acupuncture से bronchial asthma it works faster than an intravenous administration and every patient in my last 40 years of practice of acupuncture has got and remained fully cured till today. So usse meri jigyasa hui ki agar acupuncture se ek aisi bimari jaise bronchial asthma jisse ki lakhon karodon log duniya mein har saal, agar aap log bhi ye program dekh rahe hain aur abhi perfect health mele mein nahi aaye to zarur aaiye kyunki yahan pe acupressure acupuncture aisi bahut sari paddhatiyan yahan par display pe hain, log bata bhi rahe hain aur ha गूगल में डालिए तो हम आपको रविंद्र